नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग स्टैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकर्सन के थ्रू देखा था कि कैसे हम ट्रैवर्स करेंगे किसी भी बाइनरी ट्री को, जिसमें तीन मेथड थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। आज हम इन्हीं तीनों मेथड को हम स्टैक के साथ देखेंगे, स्टैक का यूज़ करके कैसे हम उसको ट्रैवर्स करते हैं। काफ़ी इजी है और सिंपल है। आप इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई आता है तो इसका भी स्टैक का यूज़ करके भी वहां पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्री ऑर्डर, जो प्री ऑर्डर जिसको हम प्रीफिक्स भी कहेंगे एक तरह से, अगर अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं देन। यहाँ पे प्री ऑर्डर का जो स्टैक का यूज़ करके आपको ट्रैवर्सिंग करना है, यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है और ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके देखेंगे कि स्टैक के थ्रू कैसे ट्रैवर्सिंग हो रहा है प्री ऑर्डर मैनर में। तो पहले हम स्टेप पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट पाथ एंड प्रोसेस ईच नोड एन। कहने का मतलब कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे, लेफ्ट मोस्ट पाथ, सबसे लेफ्ट मोस्ट पाथ कौन सा होगा, इस साइड लेफ्ट साइड जो लेफ्ट मोस्ट पाथ है ये सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट में आएगा, तो यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। एंड प्रोसीड ईच नोड, इसके हर नोड को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। प्रोसीड मीन्स ट्रैवर्स करेंगे ऑन द पाथ एंड पुश ईच राइट चाइल्ड। और जो भी ट्रैवर्स करते टाइम राइट चाइल्ड आएगा, राइट चाइल्ड को हम स्टैक में पुश करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट चाइल्ड जनरेशन बंद हो जाएगा, मीन्स जैसे लीफ नोड आएगा उस टाइम हम ट्रैवर्सिंग बंद कर देंगे और स्टैक में जो भी सिंबल होगा, जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा उसको हम पॉप करेंगे और फिर से हम स्टेप वन पे आ जाएंगे। फिर उसी तरह से लेफ्ट साइड को हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे होता है, आपका सपोज स्टैक है, ये स्टैक है, ठीक है। इनिशियली स्टैक क्या है आपका, इनिशियली एम्प्टी है, मतलब अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करा, प्रोसीड डाउन टू लेफ्ट मोस्ट पाथ। अब देखिए लेफ्ट मोस्ट पाथ कौन सा होगा, इसमें ये लेफ्ट मोस्ट पाथ होगा, ये लेफ्ट मोस्ट पाथ होगा। यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आया, ए। हमने ए क्या किया, ए को हम प्रोसीड करेंगे, मीन्स ए को हम प्रोसीड की ट्रैवर्स करने, ए प्रोसीड हो गया, ठीक है। इसका राइट चाइल्ड, क्या है, सी, तो हम सी यहाँ पे पुट कर देंगे स्टैक में, ठीक है। अब देखिए अभी हम इसी को लेफ्ट को ही प्रोसीड करते रहेंगे, इसके लेफ्ट में क्या है, बी, बी को हमने प्रोसीड कर लिया, मीन्स ए भी ट्रैवर्स में आ गया। इसका राइट चाइल्ड कोई है, नहीं है, तो आप चलते रहिए, डी, डी आया, डी को हमने प्रोसीड कर लिया, ठीक है। इसका राइट चाइल्ड है, क्या है, एच, एच हमने कहाँ कर दिया, स्टैक में, स्टैक के टॉप पे इंसर्ट कर दिया। और आगे चलिए यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पाथ पे क्या मिला, जी, यहाँ पे हमने जी को भी ट्रैवर्स कर लिया, मतलब इतने सिंबल तो हमने ट्रैवर्स कर लिया। इसके बाद देखिए फिर कोई लेफ्ट में जा रहा चिल्ड्रेन, कोई चिल्ड्रेन नहीं, मतलब अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब आ जाइए स्टेप टू में, स्टेप टू में क्या बोल रहा था, पॉप द टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक। अब स्टैक से टॉप एलिमेंट कौन सा है, ध्यान दीजिए, जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैक में पुश, और जब यहाँ से रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉप। तो अब यहाँ से हम पॉप करेंगे, पॉप मीन्स कि जो भी टॉप एलिमेंट होगा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉप करेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको पॉप किया, मीन्स यहाँ से हमने हटाया इसको और ये बाहर आ गया और इसको हमने क्या किया, प्रोसीड किया। अब प्रोसीड करने के बाद देखिए एच पे आ गया, एच, अब एच से देखिए यहाँ पे प्रोसीड किया। अब देखिए लेफ्ट मोस्ट पाथ कुछ है, यहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट में कोई चिल्ड्रेन है, लेफ्ट में कोई चिल्ड्रेन नहीं है, लेकिन राइट में है, राइट में है, राइट वाला चिल्ड्रेन कहाँ जाएगा, राइट वाला चिल्ड्रेन यहाँ पे पुश हो जाएगा, और लेफ्ट में कोई नहीं है, मतलब कि अब यहाँ पे फिर से रुक जाएगा। अगर लेफ्ट में कोई एलिमेंट होता तो उसको प्रोसीड करता, लेकिन लेफ्ट में कोई नहीं है तो फिर से यहाँ पे स्टॉप कर गया। अब देखिए स्टॉप कर गया तो फिर से इस पे आएगा, किसमें, स्टैक में, स्टैक पे टॉप एलिमेंट अब कौन सा आ रहा है, के। अब फिर से के को यहाँ से पॉप करेगा, जब के को यहाँ से पॉप करेगा और के को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अब के को प्रोसीड कर लिया, देखिए के का कोई आगे राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, ये लीफ नोड है, मतलब फिर से यहाँ पर रुक गया। अब देखिए फिर से अब टॉप अप स्टैक, फिर टॉप अप स्टैक चेक करेगा। अब टॉप अप स्टैक में कौन सा सिंबल है, देखिए यहाँ पे सिंबल पॉप हो चुका, बचा केवल सी। अब इस सी को हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉप करेंगे, जब सी को पॉप करेंगे और फिर सी को जब प्रोसेस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, देखिए सी का राइट चाइल्ड कौन है, एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा सी राइट चाइल्ड एफ,
ठीक है, और लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, ई। ई तो हमने प्रोसीड कर लिया, ई को हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है, प्रोसीस में ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। अब ई का देखिए, ई क्या है, लास्ट है, यहाँ पे लीफ नोड है, मीन्स इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, तो यहाँ से फिर बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे है, अब स्टैक में चेक करेगा, स्टैक में कोई सिंबल है, स्टैक में क्या है, एफ। एफ को यहाँ से क्या करेगा, फिर से पॉप करेगा, तो एफ यहाँ से निकल जाएगा और एफ को प्रोसीड करेगा। अब एफ को प्रोसीड कर लिए, देखिए अब कोई भी इसमें सिंबल नहीं रह गया जिसको प्रोसीड करना है, स्टैक हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो चुका है। दैट मीन्स कि ट्रेवर्सिंग आपका यही आ गया, ए बी डी जी एच के सी ई एफ, ये आपका आ गया क्या, प्री ऑर्डर ट्रेवर्स होके आंसर आ गया। इस तरह से स्टैक के थ्रू हम करते हैं, ठीक है, तो इजी है, इस तरह से आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम आता है स्टैक का यूज करके भी प्री ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी से, हमने क्या किया रिपीट कर लेते हैं। देखिए हमने स्टार्ट करेंगे प्री ऑर्डर में करने के लिए, रूट से स्टार्ट करेंगे, इस एलिमेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, मीन्स इसको ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसका कोई राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड हम कहाँ करेंगे, स्टैक में पुट करेंगे, और लेफ्ट हम प्रोसीड कर देंगे, लेफ्ट मोस्ट पाथ को हम प्रोसीड करते रहेंगे। लेफ्ट मोस्ट पाथ कौन सा आया, बी आ गया, बी का कोई राइट चाइल्ड है नहीं, प्रोसीड करेंगे, डी आ गया, डी का कोई राइट चाइल्ड है, यस यस हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए इसका अभी लेफ्ट चाइल्ड है, जनरेट चल रहा है, जी हमने विजिट किया, अब जी क्या है, लीफ नोड यहाँ पे रुक गया, रुक जाने के बाद अब देखिए अब फिर यहाँ पे आएगा स्टैक में, स्टैक में टॉप अप स्टैक क्या है, एच, एच को हमने से पॉप किया, जब यस को पॉप करेंगे तो यस प्रोसीड करेगा, यस प्रोसीड करेंगे, देखिए यस का कोई राइट चाइल्ड है, यस का कोई राइट चाइल्ड है तो हम क्या रखेंगे यहां पे, के, के है, के हम क्या करेंगे यहां पे पुश कर देंगे, और इसका लेफ्ट चाइल्ड कोई है, लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है, मतलब अब यहाँ पे फिर से बैक ट्रैक करेगा, फिर से बैक ट्रैक मीन्स फिर से आएगा स्टैक में, स्टैक में फिर टॉप अप स्टैक, टॉप अप स्टैक क्या है, के को पॉप करेगा फिर से, और के को क्या करेगा, प्रोसीड किया, जब के को प्रोसीड किया तो देखिए अब के के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट राइट कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब फिर से स्टैक में आएगा, स्टैक में क्या सिंबल मिलेगा, सी, सी को यहाँ से पॉप करेगा और सी को प्रोसीड किया, जब सी को प्रोसीड किया तो सी का कोई राइट चाइल्ड है क्या, राइट चाइल्ड एफ है, एफ हम क्या करेंगे, इसको जब पॉप किया तो एम्प्टी हो गया ना, एफ यहाँ पे पुश कर देंगे। इसके बाद फिर से देखिए अब इसका लेफ्ट, लेफ्ट में प्रोसीड करेगा, लेफ्ट में प्रोसीड करेगा मींस ई को प्रोसीड किया, और ई के बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं लेफ्ट चाइल्ड में, तो फिर इसके बाद क्या देखेगा, अब बैक ट्रैक में जाएगा और यहां चेक करेगा कि क्या स्टैक में कोई सिंबल है, एफ, एफ को क्या करेंगे यहां से पॉप करेगा और एफ को, एफ देश को प्रोसीड करेगा, ट्रेवर्स करेगा। अब इस सब इसको पॉप किया तो ये भी क्या हो गया, एम्प्टी, और आपका जो ट्री था, ट्री के सारे नोड ट्रेवर्स हो चुके हैं, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर का आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इन ऑर्डर यूजिंग स्टैक कैसे हम करेंगे।